पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आपके नाम से? मेरा नाम सनम है, डॉक्टर नकुल जी के नाम से था। हाँ, उनको अभी ताबा छटाए गए हैं, जो नाम बोला जा रहा है मतलब रजिस्टर ऑनलाइन हो चुका है, दूसरा जब आएगा डीपी सिंह का नाम जाएगा, जो बाहर लिखा हुआ है। अभी आपको पंजीकरण नहीं है, कह सकते? हाँ, मतलब ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं अभी, जब कोविड की वजह से रुका हुआ है। उनको क्या डिग्री है डीपी सिंह को? MBBS है। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में डॉक्टर्स की डिग्री के नाम पर बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिसमें सिर्फ मरीजों को लूटने का काम किया जा रहा है। BUMS, BAMS, BEMS आदि डिग्री लेकर ये डॉक्टर बड़े अस्पताल का संचालन करते हैं और एक MBBS डॉक्टर का नाम अस्पताल के बोर्ड पर लिखकर जनता को भ्रमित करते हैं। MBBS डॉक्टर का नाम पढ़कर जनता इन अस्पतालों में इलाज के लिए जाती है और ये मरीज से मोटी कमाई करने लगते हैं। ऐसा ही एक अस्पताल संचालित है दान सहाय की मिलक शाहपुर तिगरी में। शांति हेल्थ केयर के नाम से संचालित यह अस्पताल डॉक्टर मनोज कुमार चला रहे हैं, जो BAMS डिग्री धारक है, जबकि जनता को गुमराह करने के लिए बोर्ड पर एक MBBS डॉक्टर का नाम लिखा रखा है। डॉक्टर मनोज कुमार से जब पूछा गया कि क्या अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर डीपी सिंह के नाम से अप्लाई कर रखा है, फिलहाल पंजीकरण नहीं है। बिना पंजीकरण के संचालित इस तरह के अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के दलालों की मेहरबानी पर चल रहे हैं और ऐसे डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उसमें हम कर रहे हैं कि पेशेंट को जैसे हमारे यहाँ ऑपरेट हो रहा है, उनको सर्जन भी आ रहा है और IPD पेशेंट भी अगर आ रहा है तो पेशेंट के साथ एक ही जना के मजार एक जना रहेगा, ठीक है। सैनिटाइज यूज हो रहा है, मास्क यूज हो रहा है। जनरल पेशेंट ऑक्सीजन वगैरह हमारे पास है, अगर हाँ ऐसा पेशेंट कोई आ जाता है तो अवेलेबल जरूर करा रहे हैं उसको। ऑक्सीजन से अगर हमारे पास सुविधा है तो पूरा दे रहे हैं, सहयोग पूरा कर रहे हैं। अगर हमारे से है कंट्रोल में आ रहा है तो ठीक है, किसी भी हेल्थ सेंटर में जाते हैं। एलोपैथिक का तो साथ में मेरे पास एनजीएल डॉक्टर बैठते हैं, मैं गाइडलाइन देता हूँ, उनसे भी देता हूँ। मेरा नाम सनम है, डॉक्टर नकुल जी के नाम से था। हाँ, उनको अभी ताबा छटाए गए हैं, जो नाम बोला जा रहा है मतलब रजिस्टर ऑनलाइन हो चुका है, दूसरा जब आएगा डीपी सिंह का नाम जाएगा, जो बाहर लिखा हुआ है। अभी आपको पंजीकरण नहीं है, कह सकते? हाँ, मतलब ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं अभी, जब कोविड की वजह से रुका हुआ है। उनको क्या डिग्री है डीपी सिंह को? MBBS है। हाँ, उन्हीं के नाम से आएगा। सर्जन है तो ओनली मेडिसिन पाती है, मेडिसिन में MD। खाने का उनका भूख भी रहता है और बाकी फोन कॉल रहता है, जब जरूरत पड़ती है किसी को बुला सकते हैं, फोन कॉल बुला फोन कॉल अधिकता है बाकी सब आदमी। हाँ, ऐसा था, वो ऐसा ही पेशेंट मेरे पास आया, उसको पेन बहुत थे और जैसे ही उसका लगा कि हाँ रिपोर्ट भी करानी थी तो रिपोर्ट नहीं हो पाई, रिपोर्ट से पहले उसको क्या हुआ कि एडमिट कर लिया गया था विदाउट रिपोर्ट। उसको फिर डायरेक्टली हमने कहा भी जो HIV है तो HIV वाला हम कर नहीं सकते, तो हमें परमिशन भी नहीं है और उसके लिए फिर परमिशन लेना जरूरी है डिस्ट्रिक्ट से, वो चीज़ नहीं है। पूरे मुरादाबाद में शांति हेल्थ केयर एक ऐसा अस्पताल नहीं है, बल्कि ये एक मकड़ जाल है जो हजारों में है। सब कुछ जानते हुए भी स्वास्थ्य विभाग मौन बना हुआ है और शायद यही वजह है कि मुरादाबाद के नगर विधायक रितेश गुप्ता ने ACMO डॉक्टर DK प्रेमी की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने लेटर पैड पर लिख कर दी है। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने अब उनके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। शायद यही मानना है कि शहर विधायक को लगातार ऐसी शिकायतें मिलने के बाद भी उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। मुरादाबाद में ACMO डॉक्टर DK प्रेमी लगभग 15 साल से पोस्टेड हैं, उनकी बहुत सारी शिकायतें अनियमितताओं की लगातार मेरे को मिल रही थी। जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं या एक्सरे सेंटर हैं, उनसे उगाही की शिकायत लगातार मिल रही थी। तो वही शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को भेजी है
उसमें शिकायत थी कि जितने झोला छाप डॉक्टर हैं ज़िले में उन सब से इन्होंने महीना बांध रखा है, और जो गलत तरीके से अल्ट्रासाउंड सेंटर और एक्सरे सेंटर चल रहे हैं उनसे भी पैसे की शिकायतें लगातार मिल रही थी। ये भी शिकायत आ रही थी कि कोई व्यक्ति कोई अस्पताल द्वारा अल्ट्रासाउंड सेंटर या एक्सरे सेंटर के लिए अप्लाई करता है तो उससे भी वो मोटी रकम वसूल के उसकी स्वीकृति ऊपर भेजते थे। तो बहुत सारी शिकायतें उनकी थीं, तो वही मैंने माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने के लिए शिकायत उनकी भेजी है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मेरी आज फ़ोन पर वार्ता भी हुई है शिकायत भेजने के बाद, तो बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई होगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।